Hello friends, welcome to Education Shelf Life. Myself Dr. Riddhi Agarwal and I'm here with the second part of our static GK questions from Mauryan and post-Mauryan period. So in the first half we have covered 15 questions and now we will cover the remaining questions. So let's begin with our first question of today. So consider the following statements and select the correct answer from the codes given below. Assertion is the Indo-Greek rulers were coming under the influence of Indian culture. And second is some coins of Agathocles bear the figures of Vasudev and Balaram. तो इसमें ये बोला गया है कि Indo-Greek rulers जो हैं वो Indian culture के influence में आ रहे थे धीरे धीरे और इस बात का इससे हम सबूत मिल सकता है हमें कि कुछ coins थे Agathocles के जिसमें वासुदेव और बलराम के figures बने हुए थे. तो क्या ये बात सही है या नहीं. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दोनों करेक्ट हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एक सही है बट आर गलत है या फिर ए गलत है और आर सही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो एकदम करेक्ट आंसर है इसका कि वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में आ रहे थे इंडियन कल्चर के बट ये चीज़ गलत है कि Agathocles के कुछ कॉइन्स में वासुदेव और बलराम की पिक्चर्स थी या फिगर्स बने हुए थे. ये चीज़ गलत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो अगेन देयर इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. सो असर्शन इज Bacchanalian scenes are also found in Mathura art. And second is the Mathura artists were aware of Gandhara art tradition. तो Bacchanalian scenes मतलब क्या होता है. The scenes which are related to liquor एक तरह से. ठीक है जो बोलते हैं हम मतलब जो शराब वगैरह है उससे related जो scenes थे वो Mathura art में मिलते थे और Mathura artists जो है वो Gandhara art के tradition से पूरी तरीके से अवेयर थे. उन्हें पता था कि गांधार आर्ट में क्या ट्रेडिशन चल रहा है. सो द आंसर विल बी डी दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. रीजन करेक्ट है कि मथुरा आर्टिस्ट जो है उन्हें पता था गांधार आर्ट में ट्रेडिशन क्या है उसके बारे में उनको जानकारी थी बट Bacchanalian scenes जो है वो मथुरा आर्ट में नहीं मिले थे हमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अगेन दिस इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. सो गाइज यू हैव टू पॉज द वीडियो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. ठीक है वीडियो जो है उसे पॉज किया करो उसके बाद आंसर दिया करो और फिर चला के देखा करो कि आंसर सही है या नहीं. सो असर्शन इज गौतमीपुत्र सत्कर्णी वॉज अपोज टू द सिस्टम ऑफ फोर वर्णास. जो फोर वर्णास का सिस्टम था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब तो उसके अगेंस्ट थे गौतमीपुत्र सत्कर्णी. And he provided patronage to Buddhist monks. और उन्होंने Buddhist monks को काफ़ी बढ़ावा दिया इसे. So the answer is again D because A is false. वो opposed में नहीं थे वो उस support में थे उस वर्णास वाले system जो चार वर्ण वाला system था हमारा उसके opposed में नहीं थे उसके support में थे वो और उन्होंने जो है Buddhist monks जो थे जो मतलब जिसे हम पुजारी बोलते हैं हमारे हिंदी भाषा में या हिंदुओं में तो वैसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उन्हें पैटर्नेज प्रोवाइड की थी उन्हें बढ़ावा दिया था. नाउ नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड द अश्वमेधा सेक्रीफाइस. तो इनमें से किसने जो है अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था. पुष्यमित्र सुंगा समुद्रगुप्त पार्श्वसेना और प्रवरसेना वन एंड पुलाकेसिन वन. तो करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली वन एंड टू वन टू एंड थ्री या फिर वन टू थ्री एंड फोर. तो देखो डू यू नो अबाउट द अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ क्या होता है. अश्वमेध यज्ञ होता है कि एक घोड़े को यज्ञ के बाद छोड़ा जाता है और जिस जिस टेरिटरी में वो जाता है अगर उसको वहाँ किसी ने पकड़ा नहीं जैसे सपोज करो यहाँ पे चार किंगडम है ए बी सी डी ए बी सी और डी. ए ने अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया. अब वो घोड़ा बी टेरिटरी में गया तो वहाँ पे उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला उसने पूरी टेरिटरी कवर कर ली. तो वो पूरी टेरिटरी अगर किंग उस किंग ने या किसी ने भी उस घोड़े को नहीं पकड़ा तो इसका मतलब ये मान लिया जाता था कि जो बी है वो ए के रूल के अंडर आ गया है. तो अब बी पे भी ए का राज हो गया है. फिर सी में गया सी में भी उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला उसने वो भी कवर कर लिया घोड़े ने तो वो भी उसके ए के अंडर आ गया. पर डी में गया तो वहाँ उसे किसी ने पकड़ लिया. तो अब किसी ने पकड़ लिया तो उसे अगर वो राजा नहीं चाहता कि वो इसके अंडर में आए तो उसे अब ए से लड़ना पड़ेगा. जो डी है उसे ए से लड़ाई करनी होगी. तो इनमें से इन सब ने अश्वमेध सेक्रीफाइस जो है वो परफॉर्म किया था. ठीक है यानी कि पुष्यमित्र सुंगा ने भी समुद्रगुप्त ने भी प्रवरसेना ने भी और पुलाकेसिन वन ने भी. तो आंसर विल बी वन टू थ्री एंड फोर.
Now, Pushyamitra Singha is said to have performed the Ashwamedh rite before he toppled Mauryan rule in 185 BC. तो उन्होंने जब मौर्यंस को हराया था 185 BC में, उससे पहले ही उसके बाद उन्होंने अश्वमेध वाला यज्ञ किया था. A historically documented performance of the Ashwamedhs during the reign of Samudragupta and the father who was the father of Chandragupta II. Samudragupta के टाइम पे भी ये हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त टू के फादर थे. Now special coins were minted to commemorate the Ashwamedh and the king took on his title of Maharaja Adhiraj after successful completion of the sacrifice. उसके बाद स्पेशल कॉइन्स जो हैं वो बनाए गए थे बताने के लिए कि भाई वो उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ किया है, उसको याद रखने के लिए कॉइन्स, उसकी याद में कॉइन्स बनाए गए थे. और फिर जो राजा है उसने टाइटल ले लिया था महाराजा अधिराज का. देन वकाटका डायनेस्टी ऑफ 3rd century to 5th century जो AD में आई थी, इट वॉज फाउंडेड बाय विद्या शक्ति एंड प्रवर सेना वन वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द वकाटका एम्पायर. जो वकाटका डायनेस्टी है वो विद्या शक्ति ने फाउंड आउट की थी, बट प्रवर सेना जो थे वो उसके रियल फाउंडर थे वकाटका एम्पायर के. उन्होंने 4 बार ये अश्वमेध यज्ञ किया था. नाउ पुलाकेसिन वन वॉज अ मोनार्क फ्रॉम चालुक्य डायनेस्टी. अब जो पुलाकेसिन वन थे वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी को. ही बिलोंग टू चालुक्य डायनेस्टी इन द वेस्टर्न डेक्कन रीजन एंड ही परफॉर्म सेक्रीफाइसेस लाइक अश्वमेधा, हिरण्यगर्भा, अग्निस्तोमा, वाजपेय, बाहु सुवर्णा एंड पौंडारिका. तो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे और इस सब की डिटेल्स जो हैं वो उनके बादामी क्लिफ इंस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसकी डेट है साका 565, यानी कि 543 CE. इस वाले इंस्क्रिप्शन में इन सब यज्ञ के बारे में, उनके जो पुलाकेसिन वन ने परफॉर्म किए थे उन सब के बारे में इसमें पता है, जिस सब में जानकारी उसमें जानकारी है इस इंस्क्रिप्शन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो अगेन वही असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. अरिकामेडू वॉज अ सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड एंड रोमन कॉइन्स इन गुड नंबर्स हैव बीन फाउंड इन अरिकामेडू एक्सकेवेशन. तो अरिकामेडू जो है उसे इंडो रोमन ट्रेड का एक बहुत अच्छा सेंटर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रोमन कॉइन्स जो हैं हमें मिले हैं जब उसको एक्सकेवेट किया गया. तो सो बिल्कुल ए एकदम करेक्ट है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो आंसर विल बी ए, दोनों करेक्ट हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वो इंडो रोमन ट्रेड का बहुत अच्छा सेंटर था. और ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि वहाँ पे जब उसको एक्सकेवेट किया गया, जब उसकी खुदाई की गई, तो उसमें बहुत सारे रोमन कॉइन्स हमें मिले. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू. तो ये हमारी डायनेस्टीज दे रखी हैं लिस्ट वन में और ये किंग्स के नेम दे रखे हैं, तो हमें मैच करना है कि कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है. सो इंडो ग्रीक, शाका, पार्थियन, कुशान, रुद्रदमन, मेनंदर और मेनंदर, विम कैडफाइसिस एंड गोंडोफेरेंस. तो इंडो ग्रीक जो हैं उसके कौन थे बताओ? 3, 4, 2, 1 चारों हैं. तो उसके थे हमारे विम कैडफाइसिस, ठीक है, इंडो ग्रीक नाम ही अजीब सा है इनका. देन सेकेंड वन वॉज शाका, तो शाका के थे हमारे रुद्रदमन. थर्ड वॉज पार्थियन, तो पार्थियन थे गोंडोफेरेंस और कुशान थे मेनंदर. तो आंसर क्या जाएगा हमारा? सी 2, 1, 4, 3 इंडो ग्रीक. सॉरी कुछ गलत बता दिया मैंने आप लोगों को शायद, आई एम रियली सॉरी. तो ये गलत हो गया, सॉरी. इंडो ग्रीक जो है वो 2 है, यानी कि मेनंदर. इंडो ग्रीक जो है मेनंदर है, ठीक है. फिर यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2 है ए का. शाका रुद्रदमन बिल्कुल सही है, पार्थियन गोंडोफेरेंस सही है और कुशान जो है वो है विम कैडफाइसिस. विम कैडफाइसिस और इंडो ग्रीक में कंफ्यूज हो गई मैं. तो इंडो ग्रीक जो है उसके थे मेनंदर और कुशान के थे हमारे विम कैडफाइसिस, ठीक है. तो इसको सही कर लेना. तो आंसर विल बी 2, 1, 4, 3. देन नेक्स्ट इज अगेन मैच द लिस्ट, और इसमें भी वही है, डायनेस्टीज को किंग्स से मैच करना है. तो शुंगा डायनेस्टी, कांगवा डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी और वकाटका डायनेस्टी बता रखी है और उनमें नाम दे रखा है प्रवरसेन, खारवेला, वासुदेव और भागभद्रा, ठीक है. सो वीडियो पॉज करो और देखो कौन सा आंसर होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट का होगा, यानी कि शुंगा का होगा हमारा वासुदेव. देन कांगवा का होगा भागभद्र. देन छेदी का होगा सेकेंड, दैट इज खारवेला, ओके. एंड वकाटका का होगा फर्स्ट, यानी कि प्रवरसेन. सो इट विल बी 3,
4, 2, 1. So the correct answer will be D. Okay? Now, next question is, arrange the following dynasties in chronological order of their arrival in post-Maurya period. So, Mauryan period ke baad, ye jo dynasties hain, ye kis hisab se aayi thi, ye hame batana hai. To waise bahut easy question hai. Shagas, Indo-Greeks, Parthians, Kushans. To aapko pata hona chahiye ki sabse pehle Indo-Greeks aaye the. Ye yaad rakhna hai, ratne ki cheez hai. Post-Mauryan period mein, Mauryas ke baad sabse pehle Indo-Greeks aaye the. So second देखो किस किस में है, इन दोनों में है, तो ये दोनों तो वैसे ही गए. Second है इसका, second. फिर है 1, 3, 4 और 3, 1, 4. देखो इसमें मैं आपको कोई भी झूठी बात नहीं बोलूँगा कि इस तरह से याद रख सकते हो, इस तरह से याद भी आपको रटना पड़ेगा. इंडो ग्रीक्स आए थे, फिर उसके बाद आए थे हमारे पार्थियंस, देन शाकाज और लास्ट में आए थे कुशांस. क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट जो है दोनों सेम दे रखे हैं, 2 और 4, और मोस्ट कॉमनली याद रहती है इंडो ग्रीक पहले आए थे और कुशांस सबसे लास्ट में आए थे, तो ऐसे याद नहीं रहेगा. सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स, देन पार्थियन, देन शाकाज एंड देन कुशांस. तो आप इसको IPS के से याद रख सकते हो. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी लास्ट वन, दैट इज डी, 2, 3, 1 एंड 4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक स्कूल. तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसे इंडो ग्रीक स्कूल भी बोलते थे, क्योंकि गंधारा स्कूल वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीस रोमन ट्रेडिशन, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड था बाय ग्रीस रोमन ट्रेडिशन से. तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो होगा हमारा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिकॉज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक स्कूल बिकॉज इट वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीस रोमन ट्रेडिशन. तो ग्रीस रोमन ट्रेडिशन इसमें काफ़ी थे. अगर आप गंधारा स्कूल आर्ट में इफ यू विल सी बुद्धाज एंड एजेस, देन इट विल बी वेवी हेयर और बहुत स्टाइलिश टाइप के हैं, तो वो ग्रीस रोमन कल्चर में वैसा ही टाइप का था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए. नाउ नेक्स्ट इज अगेन मैच द लिस्ट. तो इसमें भी वही चीज़ है, ये डायनेस्टीज है हमारी और ये किंग्स दे रखे हैं, सो करेक्ट आंसर हमें बताना है. तो देखो सतवाहना, शुंगा, शाका और तुजारियन, ये चार डायनेस्टीज दे रखी हैं. सतवाहना डायनेस्टी जो है उसके होंगे हमारे सिमुका, यानी कि सी, देन तो सी किसमें, ओ इसी में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी. शुंगा डायनेस्टी के हैं पुष्यमित्र शुंगा, तो ये पता ही है पुष्यमित्र शुंगा काफ़ी फेमस नेम है, क्योंकि उन्होंने मौर्यंस को, मौर्यंस के लास्ट रूलर थे, उन्हें हरा दिया था और खुद की डायनेस्टी बनाई थी, तो बी हो जाएगा. और शाका के हैं हमारे माउस और तुजारियन के हैं कुजुला कैडफाइसिस. सो द आंसर विल बी सी, बी, ए एंड डी. सतवाहना के हो गए हमारे सिमुका, शुंगा के पुष्यमित्रा, साका के माउस और तुजारियन के कुजुला कैडफाइसिस. ये सब चीज़ें याद रखने की, अगर आपने अच्छी तरह से हिस्ट्री पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है. नेक्स्ट मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी अगेन कुशांस. एंड इनका मतलब कुछ मीनिंग या कुछ ऐसे बता रखा है कि क्या, कौन सी जो लिस्ट वन है उसमें सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा लिस्ट बी के लिए. तो कुशान, सतवाहनास, साकास, वेस्टर्न साकास एंड पार्थियन. सो द रेस्टोर ऑफ वर्णाश्रम धर्म, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, विजिट ऑफ सेंट थॉमस एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइंस. सो कुशांस जो थे दे हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइंस, सो इसका डी होगा. अब दो में डी दे रखा है, बी और सी में, तो इसको तो हटाई दो दोनों, तो डी हो गया. फिर सेकंड वाले का भी ए दे रखा है, तो सतवाहनास वर द रेस्टोरर ऑफ वर्णाश्रम धर्म. तो जो वर्णाश्रम था चार वर्ण, उसके धर्म को उन्होंने वापस से रेस्टोर किया था, हट गया था वो धर्म, कहीं खो गया होगा, तो वापस से उसे उन्होंने मतलब प्रचलन में लाए. देन साकास, जो वेस्टर्न साकास थे उनका फर्स्ट इंस्क्रिप्शन था चेस्ट संस्कृत में, और पार्थियंस विजिट ऑफ सेंट थॉमस. तो आंसर विल बी डी, ए, बी, सी. ठीक है, कुशांस जो थे उनमें सबसे ज़्यादा नंबर थे कॉपर कॉइंस के, सतवाहनास जो थे वो रेस्टोरर थे, साकास जो थे उन्होंने फर्स्ट इंस्क्रिप्शन दिया था चेस्ट संस्कृत में, और जो पार्थियंस थे उन्होंने सेंट थॉमस पे विजिट किया था. तो आंसर विल बी डी, ए, बी एंड सी. नाउ नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग. तो इसमें बताना है किंग्स के नाम दे रखे हैं और बताना है कि वो किस किस डायनेस्टी को या वो क्या थे, मतलब देवभूति, सुश्रामन, वासुदेव वन एंड पुलुमावी सेकेंड. सो देखो जो हमारा ये है,
कानवा डायनेस्टी, जो कानवा डायनेस्टी थी इट रिप्लेस दी सुंगा डायनेस्टी. तो कानवा, कुशान, शुंगा, सतवाहना ये सब है इसमें. जो कानवा डायनेस्टी थी इट रिप्लेस दी शुंगा डायनेस्टी एंड इट रूल्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 71 BC टू 26 BC एंड द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज देवभूति. तो लास्ट शुंगा किंग कौन हो गए? देवभूति, यानी कि वन का हो गया सी. तो ए गया और डी गया, अब बी और सी में, सॉरी ए गया और सी गया, ये बचा है सी बी ए डी बचा है और सी ए बी डी बचा है. तो सी और डी सेम है, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा हमारा वन, वन का हो जाएगा बी. देवभूति वॉज, सॉरी सी, देवभूति वॉज लास्ट कुशान शुंगा की. देन ही वॉज ओवरथ्रोन बाई वासुदेव ऑफ कानवा डायनेस्टी. तो अब यहाँ वासुदेव नाम पढ़ा था हमने और कानवा डायनेस्टी भी पढ़ा था इन 73 BC. देन सुश्रामन वॉज द सन ऑफ नारायण इनहेरिटेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर. तो सुश्रामन ने अपने फादर के बाद जो है इनहेरिट किया था थ्रोन, जो सिंहासन है वो. एंड ही रूल्ड फॉर 10 ईयर्स एंड लेटर द आंध्राज ओवरथ्रू हिम फ्रॉम पावर. तो उसके बाद सुश्रामन को जो है पावर से उन्होंने आंध्राज ने जो है फेंक दिया था, मतलब हटा दिया था. द आंध्राज हैड कैप्चर्ड मगध इन द 10th ईयर ऑफ सुश्रामन्स रेन. जब सुश्रामन राज कर रहे थे उनके 10वें साल में आंध्राज ने मगध को कैप्चर कर लिया था. देन ही वॉज द फाइनल रूलर ऑफ कानवा किंगशिप. तो कानवा डायनेस्टी के लास्ट किंग थे सुश्रामन. तो टू का हो जाएगा ए, द लास्ट कानवा किंग. तो सी ए, तो ये भी गया. तो आंसर हो जाएगा बी डी, मतलब बी. देन वासुदेव वन वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट कुशांस. तो कुशान जो थे, कुशान डायनेस्टी थी, उसके लास्ट किंग थे वासुदेव फर्स्ट. एंड नेम्ड इंस्क्रिप्शन डेटिंग फ्रॉम ईयर 64 टू 98 ऑफ कनिष्काज एरा सजेस्ट दैट हिज रेन एक्सटेंडेड फ्रॉम एटलीस्ट 191 टू 225 AD एंड ही वॉज द लास्ट ग्रेट कुशन एम्परर. तो उनका जो राज है वो 191 से 225 AD तक चला था और वो बहुत बढ़िया एक राजा थे, ग्रेट रूलर. और पुलुवामी जो है वो सबसे लास्ट वाले सतवाहना किंग थे. तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ए बी डी. तो हिस्ट्री भी बता दी मैंने आपको कौन कौन से किंग क्या क्या थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे तीन लिस्ट दे रखी है हमें, तो हमें इनको मैच करना है. बृहत कथा, गथा सप्तसती, पौमचर्या और प्रबोध चंडोदया. तो हाला, अश्वघोषा, गुणाध्या, विमलासुरी हाँ, अर्धमगधी, पैशाची, प्रकृत, संस्कृत. तो ये हो गया हमारा कि ये बुक्स हो गई एक तरह से मान लो, या कोई भी लिटरेरी वर्क्स हो गए. किसने लिखे थे तो ये ऑथर टाइप हो गए, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे वो हो गए. तो देखो, बृहत कथा जो है वो एक वर्क था विच वॉज कम्पोज बाय गुणाध्या. तो गुणाध्या ने कम्पोज किया था. तो वन के लिए सी तो आएगा ही, तो सी तीन में है, ठीक है. एंड गुणाध्या इज टोल्ड टू रिकॉर्ड देम इन पैशाची डायलैक्ट विच इज़ दी लैंग्वेज ऑफ दी गॉबलिन्स. पैशाच मतलब जो राक्षस होते हैं एक तरह से, पिशाच राक्षस नहीं, भूत प्रेत. तो पैशाची लैंग्वेज में उन्होंने किया था. तो वन का ले क्या हो जाएगा? गुणाध्या और पैशाची, यानी कि सी और एफ. तो ये और ये, तो ये गया हमारा और ये भी गया. नाउ सेकेंड इज गथ सप्तसती. नाउ गथ सप्तसती इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन महाराष्ट्री प्रकृत. तो गथ सप्तसती जो है वो प्रकृत में लिखी गई, महाराष्ट्र वाली जो प्रकृत है उसमें, और पोएम्स का कलेक्शन है. तो टू का एक हमें पता चल गया जी, दैट इज प्रकृत. तो टू का जी इसमें है. तो ये गया, ये होगा आंसर. और ये लिखी थी किसने? हाला ने. द कलेक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द किंग. ये एक राजा थे हाला, उन्होंने लिखी थी. एंड द पोएम्स मोस्टली हैव लव एज अ थीम. तो लव थीम पे लिखी गई हैं सारी पोएम्स मोस्ट कॉमनली. देन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 40 poems का कलेक्शन है ये. नाउ द राम एपिक पौमचर्या बाय विमल सूरी में बी कॉल्ड अ श्वेतांबरा वर्क. तो पौमचर्या जो है वो किसने लिखी है? विमल सूरी ने, यानी कि थ्री का डी. और ये हम मान सकते हैं अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखी हुई है. नाउ दिस वॉज कम्पोज 530 ईयर्स आफ्टर महावीर्स डेथ, मतलब अबाउट 430 में ये लिखी गई है. जो हमारे वो थे महावीर डेथ, महावीर जो थे उनकी डेथ के 530 साल बाद. एंड द लास्ट वन इज प्रबोध चंडोद्या, ये लिखी है अश्वघोषा ने और ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में. तो याद रखना है, बृहत कथा इज रिटन बाय गुणाध्या इन पैशाची लैंग्वेज. देन गथ सप्तसती इज रिटन बाय हाला इन प्रकृत लैंग्वेज. देन पौमचर्या इज रिटन बाय विमल सूरी इन अर्धमगधी. एंड प्रबोध चंडोद्या इज रिटन बाय अश्वघोषा इन संस्कृत. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका
बी सॉरी ए, ए हो जाएगा ना इसका आंसर. नाउ ए होगा इसका, सॉरी सी, ए नहीं सी, या सी इसका आंसर है. आई गॉट कंफ्यूज विद द स्टिक. ओके सी इज द आंसर, सी एफ ए जी डी ए डी ई बी एच. नाउ नेक्स्ट इज मैच लिस्ट ए. अब ये बताना है ये भी किस किस ने लिखी हैं, रामचरित, कथा तरंगिनी, सरी पुत्र, पराक्रम और पराकरणा और उरुभंगम, तो ये किस किस ने लिखी है ये बताना है हमें. सो देखो पहले से चालू करते हैं रामचरित. तो रामचरित वॉज रिटन बाय अभिनंद, और मतलब या फिर हो सकता है कुछ ऐसा हो कि कुछ बस तो रामचरित मानस तो इन्होंने ही लिखी है, बट फिर भी देखो रामचरित से होंगे अभिनंद, यानी कथा तरंगिनी जो है वो होगी पलिता, देन सरी पुत्र पराक्रम जो है उसके लिए सही मैच होगा हमारा अश्वघोषा, और उरुभंगम के लिए भाषा. ये है तो ये राइटर्स ही, या फिर हो सकता है इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया उस बारे में लिखा हो, मैं और एक बार कंफर्म करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. वैसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 29th का, डी देन सी देन ए देन बी. ठीक है, रामचरित टू अभिनंदा, कथा तरंगिनी टू पलिता, सरी पुत्र पराक्रम टू अश्वघोषा एंड उरुभंगम टू भाषा. टेंशन नहीं लेने का है, मैं बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ए कंसिस्ट ऑफ वर्ण कैटेगरीज एंड बी कंसिस्ट ऑफ मटीरियल फॉर सेक्रीफाइस थ्रेड टू बी यूज बाय देम. तो ये सारी वर्ण कैटेगरीज बता रखी हमें, ब्राह्मण चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो क्या क्या चीज यूज करते थे जब उन्हें सेक्रीफाइस करना होता था, यज्ञ करना होता था, कोई भी सेक्रीफाइस करना होता था, तो कौन सा मटीरियल यूज करते थे. तो देखो जो ब्राह्मण थे वो कॉटन यूज करते थे, यानी कि बी. देन जो क्षत्रिय है वो फ्लैक्स यूज करते थे, फ्लैक्स सीड्स होती हैं जो क्या बोलेंगे हिंदी में, अभी देख के बताऊंगी मैं आप लोगों को फ्लैक्स को क्या बोलते हैं. देन वैश्य, वैश्य इज, वैश्य क्या यूज करेंगे, वैश्य यूज करेंगे हमारा वूल, ठीक है, ऊन. और शूद्र जो है वो क्या यूज करेंगे, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस उन्हें करने ही नहीं दिया जाता था. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ए डी सी, यानी कि ए, बी ए डी सी. ब्राह्मणा यूज करते थे हमारा कॉटन, क्षत्रिय यूज करते थे फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को, वैश्य यूज करते थे वूल, और शूद्रों को जो है वो अनुमति नहीं थी कि वो कोई सेक्रीफाइस करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज अरोज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहना एम्पायर. तो सतवाहना जो एम्पायर जब खत्म हो गया, डिक्लाइन होने पर आया था, उसके बाद इसमें से कौन सी डायनेस्टी थी जो आई थी, मतलब आई क्या बोलते हैं हम, नज़र में आई हमारे और अराइज हुई, जिस किस डायनेस्टी ने जन्म लिया इनमें से, द अभिराज, इक्ष्वाकूस, चूटूस एंड पल्लवास. तो वीडियो पॉज करो और सोचो कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी सतवाहना एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद. करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 2 एंड 4, ओनली 2. तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 2 आई थी, 1 आई थी, 4 आई थी या 3 आई थी. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3 एंड 4. ये चारों डायनेस्टी जो हैं वो सतवाहना एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद ही आई थी, अभिराज, इक्ष्वाकूस और चूटूस और पल्लवास. हाँ, और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था फ्लैक्स के बारे में, आपने अलसी, अलसी देखी है, अलसी पूरा नहीं लिखा जाएगा, अलसी उसको बोलते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स सीड्स, अलसी का बीज उसे बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, सो वो यूज़ करते थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है. द ट्रेडर्स यूजली मूव्ड इन कैरावेंस, जो कैरावा जिसे हम कारवा बोलते हैं, तो कैरावेंस में मूव करते थे, वैसे बंद होता था और वो घोड़े चलाते थे ना उसको, उसको बोलते हैं कैरावेन. डेंजर्स एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कंपेल्ड देम टू गो टुगेदर. तो वो इसीलिए कैरावेन में जाते थे क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पर उन्हें ट्रैवल करना होता था, तो कहीं लूटपाट नहीं मच जाए और कुछ भी हो सकता है आपके बीच रस्ते में, तो इसीलिए इस डर की वजह से वो लोग एक साथ जाते थे. सो द आंसर विल बी ए, बिकॉज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं, जो भी व्यापारी होते थे, वो हमेशा कैरावेन में मूव करते थे, कारवां में जाते थे, ऐसे एक साथ जाते थे पूरा ऐसा लंबा बना के. आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार, मूवीज़ में किसी सीरियल्स में, जो पुराने सीरियल्स हैं, जो पौराणिक टाइप के सीरियल्स हैं, उनमें देखा होगा ऐसे कारवां में चलते हैं वो लोग,
खूब सारे झुंड में एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता था कि हो सकता है आपका सामान कोई चुरा के ले जाए, कोई मार जाए, तो झुंड में रहेंगे तो ऑब्वियसली जो अटैक करने वाला है वो भी थोड़ा डर के रहेगा, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। पूरे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो है हम चालू करेंगे हमारा दूसरा पीरियड जो है, यानी कि गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो अगर आप लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वाला देख लेना। और बाकी जो पुराने स्टैटिक जीके के पोर्शन के वीडियोज़ हैं उसका लिंक भी मैं लास्ट में डाल दूंगी, इसमें वीडियो में ही मिलेगा आपको, जो एंड स्क्रीन एनोटेशन और कार्ड्स आते हैं उसमें, ठीक है। सो गाइज, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। और एक और बात, हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है तो उसके बाद आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा, आप पीडीएफ्स उसमें आराम से पढ़ सकते हैं और वीडियो भी डायरेक्टली आप उसमें से देख सकते हैं। जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सब वहाँ पे भी आएंगे, तो आप डायरेक्टली उसमें से यूट्यूब के वीडियोस भी देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऐप लॉन्च होएगी मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग भी बता सकते हो, हम मना नहीं करेंगे कि हम नहीं बनाएंगे इस चीज़ पे, तो आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।